नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग क्लास बहराइच में। सर्वप्रथम उन छात्रों को बधाई जो प्रमोट हुए हैं, और जो छात्र प्रमोट नहीं हुए हैं जिनको पेपर देना है वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, हम लोग आपके साथ हैं। आपको उसी पैटर्न की क्लास दी जाएगी जिस पैटर्न का एग्जाम होना है, बस कन्फर्म होकर ये प्रोफार्मा आ जाए, आता है बस तुरंत आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो जो निर्णय आया है उसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे, आपके शब्दों में जो मन में आपके सवाल आ रहे होंगे, मैं कोशिश करूंगा उनके सारे जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएं। आपने यहाँ तक इतना समय दिया, 5 मिनट का टाइम आप और हमको देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या खबर है और उसका विश्लेषण आपको करना है। देखिए, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 15 अगस्त तक प्रैक्टिकल निरस्त, ये खबर है और ये न्यूज पेपर की कटिंग है। अब इसका हम आगे डिटेल में शुरू करते हैं, आपको डिटेल में बताते रहते हैं। तो देखिए, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मंगलवार को उच्च शिक्षण संस्थानों की परीक्षा की गाइडलाइन जारी करते हुए प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं होंगी और प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक लिखित के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे, और साथ में 3 घंटे की अवधि को घटाकर क्या किया जाएगा, 1.5 घंटे कर दिया जाएगा, और जिसमें से 50% प्रश्न पत्र ही हल करने होंगे। अब शुरुआत करते हैं कि क्या है व्यवस्था। स्नातक यानी ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट है, जो लोग ग्रेजुएशन में हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, उनको कैसे जो है पेपर देना है। ठीक, तो इसमें अगर आते हैं तो जिन विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई है, यानी आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं और आपने पेपर अभी नहीं दिया है, तो आपके लिए क्या है, तो वहां पर विद्यार्थियों के बिना परीक्षा के द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा, यानी आप प्रमोट होके और सेकेंड ईयर में आप चले जाएंगे। अब देखिए, आप खुशी मत मनाइए, कहते ना बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आप ये मत सोचिए कि आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों में मायूसी है और बहुत लोगों में खुशी है। भाई, जो नहीं पढ़ रहे थे उनके अंदर खुशी है कि फ्री में पास हो गए, और जो पढ़ रहे थे उनके अंदर मायूसी है। तो बिल्कुल मायूस ना हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ सब लोग होते हैं, आपका किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा उन्हें। ऊपर 2022 में होने वाली स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रथम वर्ष के परिणाम दिए जाएंगे। पता है आपको सेकंड ईयर का हाईएस्ट और फर्स्ट ईयर का हाईएस्ट पता कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी में जहाँ पे ऑप्शनल पेपर होते हैं, खासकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बीच में क्या गैप होता है वो आप देखिएगा। तो कहाँ तक लाभ हुआ है, कहाँ तक हानि है, ये तो आप खुद निर्धारण कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट ईयर में है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका प्रमोशन हो चुका है और आप सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं, लेकिन सेकेंड ईयर के भाव पे आपको फर्स्ट ईयर में पेपर देना होगा। ठीक, तो अब देखते हैं ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर 2020 में स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा हो चुकी थी, यानी आपने पिछली बार फर्स्ट ईयर का पेपर दिया है, तो आप फर्स्ट ईयर के बेस पे सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पे आप द्वितीय वर्ष में प्रमोट हो जाएंगे, यानी बीकॉम के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में बीकॉम फर्स्ट ईयर के पेपर सारे हो चुके थे, अब सारे पेपर हो गए थे, तो वहां के जितने स्टूडेंट हैं वो जो है उनको सेकेंड ईयर में उसी के व्याप में नंबर मिलेगा। यानी अब यहाँ पे आपका कोई नुकसान नहीं है, आपने पढ़ाई की, अगर इससे भी आप संतुष्ट नहीं है ना, तो आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। अगर आपको नंबर मिलता है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है और आप उससे अपना नंबर बढ़वा सकते हैं। ठीक, तो तृतीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा, यानी अब आप फाइनल ईयर की तैयारी शुरू कर दें। लेकिन जहां पे पेपर नहीं हुआ था फर्स्ट ईयर में, उनके यहाँ सेकेंड ईयर में पेपर होगा, परीक्षा कराई जाएगी और सेकेंड ईयर के व्याप पे फर्स्ट ईयर के में और थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा, ये देखना है आपको। यानी सेकेंड ईयर में थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन अलग है, फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं और सेकेंड ईयर के व्याप पे उनको फर्स्ट ईयर का नंबर दिया जाएगा, लेकिन जो सेकेंड ईयर में है उनमें ये देखा जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है या नहीं दिया। अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रखा है तो आप सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं देंगे और फर्स्ट ईयर के व्याप पे ही आपको नंबर मिलेगा, साथ में आप थर्ड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं, आप अपनी थर्ड ईयर की तैयारी शुरू कर दीजिए और थर्ड ईयर का पेपर होगा। अब किस आधार पर होगा ये भी हम आपसे बात करेंगे, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। चलिए, तो ये था हमारा ग्रेजुएशन का। अब आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा कि कैसे आगे तैयारी आपको करनी है। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई की है उनका कोई नुकसान नहीं होगा, आपने तैयारी की है आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सब लोग आपके साथ हैं। ठीक, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि कुछ बच्चे मायूस हो रहे हैं जिन्होंने तैयारी की ज्यादा अच्छे, उनको लग रहा है कि उनका नंबर कम मिलेगा उनको, तो आपका नुकसान नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं स्नातकोत्तर यानी पीजी में क्या होगा। तो पीजी में अगर हम बात करते हैं, पीजी में क्या होगा, फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं होगा, यानी प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं होगा, फाइनल ईयर का पेपर होगा। जो फाइनल ईयर का पेपर होगा तो आपको प्रीवियस ईयर में जो नंबर दिया जाएगा वो फाइनल ईयर के
बेस पे दे दिया जाएगा, सीधा तरीका, ठीक। और फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, ये फाइनल कर दिया, ठीक, फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, यानी जो प्रीवियस ईयर में है वो अपना फाइनल ईयर की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक, और जो फाइनल ईयर में है वो अपना फाइनल ईयर की तैयारी करते रहे, उनका एग्जाम होना है। तो चलिए, ये आपका था पीजी में। अब इसके बाद और भी सवाल आ रहे होंगे, तो चलिए उनका एक एक करके हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बात आती है कि ऑनलाइन परीक्षा कराने पर भी विचार किया गया, उन्होंने कहा है कि अगर विश्वविद्यालय चाहे तो ऑनलाइन परीक्षाएं करा सकता है। अब जिन विश्वविद्यालयों के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, वो चाहें तो अपने यहाँ एग्जाम करा सकते हैं, और ये अगस्त के मध्य तक वार्षिक परीक्षाएं करानी होंगी। अगस्त यानी 15 अगस्त तक आपको पेपर करा लेना है, ठीक। तो ये कहा गया बहुविकल्पीय OMR पर या विस्तृत प्रश्न पत्र कोई भी हो सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कह रहे थे नहीं सिर्फ बहुविकल्पीय की बात की गई, OMR पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप वो जो है आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, ठीक। ये कौन डिसाइड करेगा, ये विश्वविद्यालय डिसाइड करेगा, चाहे तो ऑनलाइन एग्जाम ले सकता है, कुछ निर्णय उस पर भी छोड़ दिए गए, लेकिन जिनके पास पर्याप्त संसाधन होंगे वही लोग ले पाएंगे ऑनलाइन, सबके बस की बात नहीं है। चलिए ये हो गया। इसके बाद विशेष परीक्षा, अगर किसी स्टूडेंट को मान लीजिए कोई फाइनल ईयर में है, तो अगर उसे कोविड हो जा रहा है तब क्या होगा, तो अगर कोरोना संक्रमित है तो उसके लिए विशेष परीक्षा कराई जाएगी, विशेष प्रश्न पत्र तैयार करके उसे अवसर दिया जाएगा, यानी उसका पेपर नहीं छूटेगा, बिल्कुल परेशान ना हो, आपका सत्र बर्बाद नहीं होगा, ये निर्णय लिया गया है। अब इसके अलावा और भी है, परिणाम सुधारने का मौका, जी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यही लिया गया कि अगर आपका जो रिजल्ट आता है अब आप उससे संतुष्ट नहीं हो रहे, ठीक है, अब आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आपको अवसर दिया जाएगा, आप बैक पेपर देके या मेन एग्जाम होगा उसके साथ भी सुविधा दी जाएगी, आप पेपर देके। बीएड में ऐसा होता था, बीएड में जो एग्जाम होते थे तो वो फर्स्ट ईयर के और फाइनल ईयर के जब हुए बीच में तो क्या होता, एक साथ करा दिए जाते थे, ठीक है, बैक पेपर वाले साथ में जाके दे देते थे। तो ऐसा ही कुछ उम्मीद करते हैं कि इसमें भी करेंगे, और मतलब अवसर मिलेगा आपको, आपकी पढ़ाई बर्बाद नहीं होगी, हालांकि आगे भी आप कोई तैयारी करते हो तो वहां पे भी आप के काम आएगा, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने नंबर से तो आप बिल्कुल जाके अपना बैक पेपर दे सकते हैं, और बैक पेपर दे के अपना नंबर सही कर सकते हैं, ठीक। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है इतनी जल्दी, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हाथी पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी। तो आपने अगर अच्छे से तैयारी की है तो आप थोड़ा ठगा महसूस जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपकी जाया नहीं जाएगी, ये बिल्कुल भरोसा रखिए, और अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे थे अपने करियर के लिए, आप सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे थे, ठीक। अब स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाए, ठीक है। अब ये सेमेस्टर वाइज की जहाँ पे बात की जाती है, हालांकि डॉक्टर अमन उल्लियावाद यूनिवर्सिटी में आपके जो है एनुअल एग्जाम होते हैं वहां सेमेस्टर की बात नहीं होती, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में एनुअल एग्जाम होते हैं वहाँ फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं, अगर आप उससे रिलेटेड हैं तो देख लीजिए। फिर अब लास्ट बस यही था, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी बहुत जल्दी, जैसे प्रोफार्मा आता है आपकी क्लासेस दी जाएंगी, आप परेशान ना हो, और ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, और कोशिश करेंगे कि अच्छी क्लास आपको दी जाए और आप घर बैठ के अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।